पंचायत रामपुरा डाबड़ी श्यामलाल कुमावत वार्ड नंबर 5, उम्र 85 वर्ष। मेरा ये कहना है कि जो मैंने देखी है वो वसुंधरा सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं देखी, नहीं सतीश पूनिया जी ने देखी है। दुनिया का रंग और दुनिया के विचार मैंने अच्छी तरह से देखे हैं। उन विचारों के अनुसार आज आम जनता हिंदू समाज का और मुस्लिम समाज का दुखी है बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि गरीबों का भी भला हो और गरीबों को भी सहायता मिले, अपना पेट भरा है, ऐसी गाड़ियों में घूमे हैं, मनमानी खर्चा किया, घूमते रहे हैं देश विदेश। अरे आज भारत की जनता गरीब है, उस पैसे से गरीबों को ऊंचा उठाते उनको सहायता देती है। झूठी डफोसलेबाजी, बिजली के बिल कम कर दिए, मोबाइल दे रहे हैं, 50-50 हजार रुपए किसानों के माफ कर दिए। अरे कर कहां दिए, बिजली के बिल बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल पंप पे पैसे बढ़ा दिए, गरीबों को कोई सहायता नहीं मिली। अरे नेता तो मलाई खा रहे हैं और गरीबों को सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। और जब देश हिंदुस्तान आजाद हुआ था, अंग्रेजों को भगाया गया था, उस समय हिंदू मुसलमानों ने सबने मिलकर के एक बीड़ा उठाया था, उससे यहाँ से अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भागे थे। आज मुसलमानों को ये कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अरे बीजेपी सरकार विवाद क्यों फैलाती है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हैं सब भारत के भाई। आज जिनमें भाईचारा है उसमें कूटता और द्वेषता की नीति फैला रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार को वोट लड़ने का कोई हक नहीं है। बीजेपी सरकार ये कहती है काला धन। अरे जिनके पास, पूंजीपतियों के पास काला धन है तो काले वोट मांगने के लिए क्यों आ रही है बीजेपी सरकार? वोट भी काले हैं, धन काला है तो वोट भी काले। नोटबंदी कर दी, क्या इनके बाप का राज था? कैसे कर दी नोटबंदी? हिंदुस्तान की मुद्रा का अपमान किया है, देश की आम जनता का अपमान किया है और गरीबी आज देश 40 साल पीछे चला गया बीजेपी सरकार एक बार आने के बाद ही। अरे एक बार आते ही मनमानी कर दी। ये भी कहा क्या बीजेपी सरकार ने कि किसी गरीब के पास आवास की भूमि नहीं है उसे भूमि दी जाए? तुरंत प्रभाव से सरपंचों के, कलेक्टरों के माध्यम से जानकारी करते और गरीबों को भूमि देते। इंदिरा गांधी जी ने 150 वर्ग गज निर्माण कार्य पट्टा और 17-17 हजार रुपए मकान बनाने के लिए दिए थे आम गरीबों को, जो जिनके पास भूमि थे। उस सरणी में मैं भी हूँ, मुझे भी दिया था सरकार के सहारे से। आज ऊंचा उठ करके मैंने 2 मंजिल का मकान बना लिया मेरे बेटे पोतों के लिए। किसके सहारे से? कांग्रेस सरकार के सहारे से। वोट कहाँ देना चाहिए? वोट देना चाहिए कांग्रेस को। और कांग्रेस देश की जड़ बुनियाद है। बच्चा बच्चा, भाई भाई, सब माताएं बहनें इस बात को ध्यान में रखें कि देश की जड़ बुनियाद कांग्रेस है। ये फगडंडी सरकार दिखावा करती है, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। ये गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है बीजेपी। इस सरकार को नकार दो, बिल्कुल भूल जाओ सरकार को। जय हिंद।